मघियाबाज। मैं युधिष्ठिर फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। छठ महापर्व और इसको लेकर मैं आ गया हूँ राजगीर का एक गांव नई पोखर, जहाँ एक ऐसा अजूबा घटना पहली बार जिसका कुल कारण कोरोना का रहा है। ऐसे लोग छठ देने जाते थे सूरज कुंड पे, कभी बड़गांव या फिर गिरियक, लेकिन सरकार के इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, गाइडलाइन को देखते हुए लोगों ने ऐसा प्लान किया है। इस बार गांव में ही माहौल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं व्यवस्था पूरक तैयारी पूरी कर ली जा चुकी है और लोग अभी भी लगे हैं सफाई में। तो आइए जानते हैं ग्रामीणों से कैसा लग रहा है गाँव में पहली बार छठ हो रहा है। उन्हें देखो तो मेरा नाम चुन्नू कुमार है। तो क्या कहना चाहते हैं भैया, पहली बार छठ हो रहा है गाँव में, ऐसे तो दूर जाते थे। बहुत अच्छा लग रहा है, गांव का माहौल ही बनेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। परंपरा टूट रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ इससे डर भी लग रहा है भैया? परंपरा कहाँ टूट रहा है, ये तो परंपरा बन रहा है। ये आगे के भविष्य में देखते हुए हमको आगे से गांव से नहीं जाना पड़ेगा, ये तो परंपरा बनाने का अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपना धर्म है, अपने तरह से मनाना जाता है, इसमें परंपरा टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। सर गांव में छठ हो रहा है इस बार, एक हथुरा जाए ना, कैसा माहौल है? तो पहले दूर जाते थे, अब यही पड़ रहा है, तो पहला बार गांव में छठ हो रहा है और एक घाट वगैरह बन रहा है, तो कैसा मन लग रहा है? पब्लिक खुश है? लोग काफी खुश है, सामाजिक सौहार्द के बीच में हम लोग मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ग्रामीण लोग खुश हैं कि गांव में छठ मनाया जा रहा है। हालांकि बरसों से आइए मिलते हैं कुछ पुराने लोग जिन्हें पता है। भैया कैसा लग रहा है गांव में छठ हो रहा? तो हम लोग कोरोना के कारण पहले तो ऐसे कुंड में जाते थे छठ मनाने के लिए, ये कोरोना को देखते हुए हम लोग अपने गांव में ही व्यवस्था कर लिए हैं। और ये देख लीजिए सारा व्यवस्था हमारे ग्रामीण के द्वारा किया गया है, हम लोग इससे बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं पूरे ग्रामवासी और सभी सहयोग कर रहे हैं। ऐसे कुंड जब मैं अर्घ पड़ता रहा, कितना दिन से कुंड में अर्घ पड़ता रहा, लगता है गांव में कभी इस तरह से नहीं होता था। हमारे गांव में पहली बार हो रहा है और बहुत प्रेरणा से कुंड में ही अर्घ पड़ता रहा, तो जन्म से पहले की बात। लेकिन इसका कोरोना के कारण इस बार हम अपने गाँव में ही व्यवस्था कर लिए हैं। तो कहने का मतलब ये है लोग काफी खुश हैं, एक नया कीर्तिमान जो बन रहा है इस समय, कुल कारण कोरोना का है। लॉकडाउन के बाद पहला पर्व है ये छठ महापर्व, गांव में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। घाट दिखा सकते हैं, पहला घाट है जिसे मीठा कुआं कहा जाता है, गांव का ट्रेडिशनल कुआं रहा है, ऐसा मान्यता रहा है, हर कुछ शुरुआत यहीं से होता है, तो छठ का भी शुरुआत यहीं से हो रहा। और कुछ देख सकते हैं ग्रामीणों ने तैयारी किया है, इसके लिए किसी तरह का कोई या मदद नहीं किया गया है बाहर से या फिर सरकारी, जो भी है सब ग्रामीणों के द्वारा। जैसा कि आपको मैं बता रहा था, ये कुआं काफी पुराना है, सदियों से, तो कितने दिन पुराना रहा है इसका इतिहास? तो आपने देखा, जरा गौर से गांव को सजाया गया है, इस कुएं को 300 साल पुराना है। बहुत बार आए हैं पानी पिए हैं। मेरे साथ बाबा मौजूद हैं और बाबा को पुराने का अतीत बहुत कुछ मालूम, तो बाबा से आइए जानते हैं। पहले छठ पड़ता था सूरज कुंड में, बाबा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है ना कि गांव में छठ हुआ है? नहीं, ये पहला बार छठ मनाया जा रहा है, पहला बार मनाया जा रहा है। तो इस कुएं के बारे में क्या कहते हैं? ग्रामीणों ने बताया 300 साल पुराना है, सच में इतना पुराना है? और उससे ज्यादा, यानी कि और पीछे का। हाँ, पुराना कुआं। तो आपने जाना, ये है नई पोखर का छठ घाट और पहला घाट, नया घाट। नमस्कार।